जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आतंकवाद और आतंकी समूहों को धन मुहैया कराने के चलते FATF ने पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखा है। हालांकि उसने पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक का वक्त दिया है और अगर इस बीच पाकिस्तान खुद में सुधार नहीं कर पाता है तो उसे ब्लैक लिस्टेड होने से कोई नहीं बचा पाएगा। और पाकिस्तान को FATF की तरफ से मिली इस चेतावनी पर अब फ्रांस ने खुशी जताई है। फ्रांस के डिप्लोमेट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि फ्रांस इस चेतावनी से बेहद खुश है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात की पड़ताल की जाए कि पाकिस्तान ने आतंकवाद पर अंकुश के लिए अब तक क्या क्या किया है और क्या नहीं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने आतंकी समूहों का हमेशा से समर्थन किया है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान ने आतंकियों को धन भी मुहैया करवाया, जिस पर हर एक देश ने आपत्ति जताई। फ्रेंच सूत्र का कहना है कि हम स्थिति में बदलाव चाहते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान खुद में बदलाव लाते हुए तय सीमा में उचित एक्शन ले। हमने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की थी लेकिन इस मसले पर आम सहमति नहीं बन सकी। हमने सभी FATF सदस्यों से आम सहमति बनाने की कोशिश की लेकिन यह नहीं हो सका, इसलिए हम गंभीर चेतावनी देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने यूरोपीय साथियों के साथ गंभीरता के साथ काम किया और अमेरिका ने भी सख्ती से हमारा साथ दिया और अब अगर पाकिस्तान फरवरी 2020 तक सुधार की दिशा में कोई सख्त कदम नहीं उठाता है तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। FATF के टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के 27 मानकों में 22 पर पाकिस्तान खरा नहीं उतर सका, जिसके बाद FATF ने उसे चेतावनी के साथ फरवरी 2020 तक का वक्त दिया है। बताते चले कि 36 सदस्य देशों वाले FATF चार्टर के अनुसार किसी भी देश को ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए कम से कम 3 देशों की समर्थन की जरूरत होती है और ऐसे में समर्थन मिल जाने पर उसे ब्लैकलिस्ट होने से बचाया जा सकता है और FATF में चीन, तुर्की और मलेशिया ने पाकिस्तान का समर्थन किया। और सर समर्थन ही नहीं बल्कि उन्होंने आतंक के खिलाफ उठाए गए पाकिस्तान के कदमों की सराहना भी की। जबकि भारत ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने की सिफारिश की थी, भारत ने कहा था कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को उसके फ्रीज खातों से धन निकालने की अनुमति दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।